अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, होप यू ऑल आर फाइन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, टाइटल से अंदाज़ा होगा कि आप PSL जो है एक बहुत ही मुश्किलात में हैं। क्या मुश्किलात है वो इस वीडियो में शेयर करेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। अच्छा, तो PSL आपको पता है कि यार पाकिस्तान से UAE शिफ्ट हो गया है, अबू धाबी में PSL खेला जाने वाला है, लेकिन अब ब्रॉडकास्टर्स ने आना है। तो दो ब्रॉडकास्टर्स ने आना था, एक साउथ अफ्रीका से चार्टर प्लेन आना था और एक इंडिया से चार्टर प्लेन आना था, लेकिन अबू धाबी की जो गवर्नमेंट है उन्होंने मना कर दिया कि यार ना ही कोई इंडिया से चार्टर आएगा ना ही कोई साउथ अफ्रीका से चार्टर आएगा, और वो हमारे हदूद में हमारे ग्राउंड में कोई भी चार्टर जो है लैंड नहीं करेगा। PSL के भी जो पाकिस्तान जो यहाँ से गया है वो भी काफ़ी प्रॉब्लम्स में है। तो PSL वालों ने वहाँ बैठ के एक वो किया कि यार अगर तो अबू धाबी ने हमें अलाउ ना किया तो हमारे पास एक ही चारा रह जाएगा, वो ये होगा कि हम शारजा में पूरा PSL शिफ्ट कर दें। तो ये न्यूज़ थी, एक बड़ी ही बैड न्यूज़ है। काफ़ी पता नहीं अब क्या होता है, PSL और डिले ना हो जाए इस हरकत की वजह से, कि जब ब्रॉडकास्टर्स नहीं हैं तो PSL कैसे हो सकता है। टीमों को भी वहाँ आने में बड़े मुश्किल आते हो रही हैं, तो काफ़ी ही बैड सीन है, बहुत ही अजीब सी सूरत हाल है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, यही सारी आप लोगों को बतानी थी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बेल आइकन भी दोबारा सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।